रुक्मिणी आश्चर्य करती थी कि ये पत्नियों सहित वन विहार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं और ब्रह्मचर्य की कसम दे रहे और यमुना रास्ता दे रही, चली गई। फिर सोचते सोचते वहां महात्मा जी थे, उनको कहा कि ऐसे ऐसे व्रत का है, भरपूर लाया है, आप चिंता मत कीजिए। तो उन्होंने कहा वैसे फलाहार तो अभी हो चुका है लेकिन व्रत के उद्यापन की बात करती हो इसलिए खाता हूं। बैठ गए और देखते देखते तीन चार आदमियों का जो लाया था वो पूरा का पूरा नकार गए। फिर रुक्मिणी ने कहा ठीक है अब वापस जाना है, आते समय तो पतिदेव ने अपने सामर्थ्य से रास्ता दिलाया था, अब क्या करूंगी। तो बोले चलो यमुना किनारे ले आए उसको और यमुना जी को कहा यमुना जी अगर जन्म से अब तक मैंने पूर्ण अनशन व्रत का पालन किया है तो रास्ता दे दो। रास्ता दे दिया। वो वापस आकर कृष्ण को पूछती है कि ये क्या मामला है, आप ब्रह्मचर्य की कसम दे रहे, वो तीन चार आदमी का खाने वाले अनशन की कसम दे रहे, यमुना जी रास्ता दे रही। तो कृष्ण ने आगे देखो मेरे प्रारब्ध के कारण इतने सारी पत्नियों का प्रतिपालन करने का कर्म मेरे नसीब में आ गया है, तो मैं कर रहा हूं, मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, वो कर्म मुझे करना है, प्रारब्ध भोग को चुकाना है, इसलिए कर रहा हूं, मैं निर्लिप्त हूं और इसलिए मैं ब्रह्मचारी हूं। उनको वो कर्म प्राप्त हुआ है वहां रहना और तुम गई वहां, वो तो खाते नहीं कुछ, निरार रहते, कई बार सूखे पत्ते खाके रहते, लेकिन तुम अपना पुण्य प्राप्त करने के लिए उनके पास गई हो याचक बनकर, तो ना कैसे कहेंगे, उन्होंने तुम्हारी मनोकामना पूरी की। तो ब्रह्मचर्य का ये अर्थ, ये अर्थ है क्या? नहीं है। लेकिन कृष्ण ने अगर कहा है तो गलत कहेंगे क्या? नहीं है, एक परिस्थिति है तो उसको अभिव्यक्त कैसे करना, और वो ऐसे अभिव्यक्त करते हैं इसलिए हर आदमी अपने जीवन में उसको ऐसे ही लेके चल नहीं चलेगा। अनशन यानी क्या? यह निश्चित है, वही अनशन है, दूसरा नहीं है। लेकिन वो महात्मा जी का उस समय उनका अनशन वही था। ऐसे इस हिंदुत्व को जिस परिस्थिति में जाना पड़ता है, शिवाजी महाराज हिंदुत्व वाले थे कि नहीं? बिल्कुल पक्के हिंदुत्व वाले थे। यानी क्या? उनको भी मालूम था सत्य अहिंसा, अहिंसा पर उनका उनका पूर्ण श्रद्धा था, सत्य पर उनकी पूर्ण श्रद्धा थी। अब्दुल खान को धोखा दिया कि नहीं? धोखा दिया कि नहीं? अब्दुल खान को धोखा ही दिया, बहुत लोगों ने आरोप किए, उन्होंने उत्तर दिया, उनका पत्र है, कहा बिल्कुल अब्दुल खान को मैंने धोखा दिया और दूंगा। वो प्रतिज्ञा करके आया था जिंदा या मुर्दे पकड़ कर ले जाने का, मैं कैसे उसके हवाले हो जाऊं, मैं कैसे मरूं उसके हाथों, मैंने उसको धोखा दिया। एक उदाहरण बता दो किसी दोस्त को मैंने धोखा दिया, तो शिवाजी महाराज को धोखेबाज कहेंगे? राजनीति है, शत्रु है, वो स्वयं को समाप्त करेगा ही, देश धर्म संस्कृति को समाप्त करने वाला है, उसको मारने से सबका कल्याण होने वाला है और ऐसा वो मरेगा नहीं मैदान में, तो क्या करेंगे? सत्य का, सत्य की अभिव्यक्ति है। भगवान कृष्ण ने कर्ण को कहा कि तुम बड़े धर्म की कसम दिला रहे हो, तुम्हारा धर्म कहां गया था? पूरा आर्ग्यूमेंट देखिए, फॉल्स आर्ग्यूमेंट है, फॉल्स आर्ग्यूमेंट है। तुम्हारा धर्म कहां गया था? अरे उसने गलती की इसलिए तुम गलती कर रहे हो क्या? इसकी परमिशन नहीं है, लेकिन उस समय वही धर्म था, धर्म की अभिव्यक्ति उस समय भगवान। इसलिए कोई कहेगा कि ऐसे ही फॉल्स आर्ग्यूमेंट देकर और हम राम सेतु को तोड़ देंगे तो नहीं चलेगा, वो प्रसंग नहीं है। तो सत्य की अभिव्यक्ति संदर्भों में होती है, उन संदर्भों को समझकर विवेक से काम लेना जमना चाहिए हिंदू समाज को, इसकी सीख देने की आवश्यकता सभी को, कार्यकर्ताओं को और समाज को भी। सारी दुनिया का हित हो इसलिए क्या करना, सारी दुनिया के हित में अपने देश का नुकसान न हो इसलिए क्या करना, अपने देश के नुकसान में अपने समूह का नुकसान न हो इसलिए क्या करना, और अपने समूह के नुकसान में मेरा भी नुकसान न हो इसलिए क्या करना, और समूह का नुकसान होता हो तो वो नहीं होने देंगे, मेरा हुआ तो चलेगा, देश का नुकसान होता हो तो फिर समूह का चलेगा देश का नहीं चलेगा, और दुनिया के हित के लिए अपने देश में तो स्वभाव है वो अभी भी कायम है, वैसा हम करते हैं अभी भी कि अपने देश को थोड़ा पीछे रखते हैं, वो हमको बताना नहीं पड़ता। तो परिस्थिति के अनुसार उस सत्य की अभिव्यक्ति होगी, वह सत्य है, वह मानवता है, वही बंधुभाव है और दूसरा कुछ नहीं। लेकिन आज हिंदू शब्द इसलिए आवश्यक हो गया है कि यह सारा कंटेंट दूसरे शब्द में नहीं है, उसको हम छोड़ नहीं सकते,
हम छोड़ नहीं सकते, विश्व हिंदू परिषद छोड़ नहीं सकते। हम हिंदू शब्द का उपयोग करेंगे, वेहीमेंटली करेंगे, नुकसान ही होने पर भी करेंगे, क्योंकि वो सत्य है। मुझे पूछा नागरिक सभा में कि हिंदू शब्द के कारण अगर वोट कम मिलते हो तो आप शब्द क्यों नहीं बदलते। मैंने कहा आप वोट जिनको चाहिए उनको पूछिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं वो सब आप एक ही है, आप बदलो तो सब। मैंने कहा हम नहीं बदलेंगे, उसके कारण हमारी पॉपुलैरिटी खत्म होने वाली है, हम डूबने वाले हैं, तो हम हिंदुत्व के साथ डूबेंगे, क्योंकि हमारे व्रत है, हमको सत्य के साथ विजयी होकर या सत्य के साथ डूबकर दिखाना है, यही हमारा ईश्वरीय कर्तव्य है। अन्य लोगों ने अपना अपना काम देखना चाहिए। उनको भाजपा कहती है, हिंदुत्व नहीं कहती, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहती है, भारतीयता कहती है, कोई फर्क नहीं है, हम जानते हैं। बाकी भी लोग जो हिंदू शब्द को नहीं मानते, वो अगर दूसरे शब्द का उपयोग करते हैं लेकिन आशय उनको यही अभिप्रेत है, कंटेंट उनको यही मान्य है, तो हमको उनके उपयोग करने पर भी ऑब्जेक्शन नहीं है। आप नहीं मानो चलता है, लेकिन आपको जो कहना वो यही है ना, बस उसी को लेकर हम चल रहे हैं। और हम इस शब्द का उपयोग इसलिए करेंगे क्योंकि इस शब्द पर आक्रमण है आज, आप इसको समझ लीजिए। हमारे भारत देश के इन मूल्यों के, मानवता के विरोधियों को भारत भारतीय शब्द चलता है, हिंदू नहीं चलता। भारत में क्या ऐसा है जो अहिंदू है? बाइबल कुरान श्रद्धेय है, पवित्र, इसको हम मान लेंगे, लेकिन वो भारत के कैसे मानेंगे? अनैतिक शायद सुबह वो कुरान अरब का है, बाइबल यूरोप से आया, मध्य एशिया से आया। ईसा मसीह रामकृष्ण, ये रामकृष्ण परमहंस ने साधना में उनका साक्षात्कार किया था, इसलिए हम उनको श्रद्धे मानने में हम तो दिक्कत नहीं, लेकिन वो भारत के कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे। जो जो भारतीय है वो हिंदू है, और इसलिए हिंदू भारत समाया। लेकिन भारत उनको चलता है, हिंदू नहीं चलता। क्यों? क्योंकि भारत बदलते रहता है हिंदुओं के पुरुषार्थ के आधार। भारतीय कहने बाद कौन सा भारतीय? 14 अगस्त 1947 का भारतीय कि 15 अगस्त 1947 का भारतीय, या अफगानिस्तान जब गांधार था तब का भारतीय, या भविष्य में जब कभी फिर से अखंड भारत होता तब का भारत, कौन सा भारतीय? ये बदलते रहता है, इसलिए बड़ी सुविधा वाली बात है। चाहे जब आप बड़ी संख्या में मतांतरण कर लो, उनकी एक मूवमेंट खड़ी करो अलगाववाद वाली, अगर वो सफल हो गई तो कह दो कि ये भारत नहीं है। कश्मीर में ले लो ना, सार्वमत ले लो ना, बार बार कहते, क्यों? उनको आशा है, अब वो भी पूरी नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान के साथ वो जाना नहीं चाहते, भारत में स्वतंत्र रहना चाहते, इसलिए वो उधर नहीं जाएंगे। लेकिन पहले तो वातावरण था कि सार्वमत लेते तो शायद, तो क्या मत पर ठहरने वाली होने वाली बात है, लेकिन तंत्र ऐसा चल रहा है इसलिए उनको भारत चलता है। यह पूरा का पूरा आशय है जिसमें उदारता है, मेरा ही सही तुम्हारा सब गलत ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, हम सबका सही है, साथ मिलकर चलेंगे, सृष्टि का शोषण नहीं करेंगे, आदि आदि सारी बातें जिसमें आती है, जो आज बहुराष्ट्रीय कंपनी के हित के विरोधी है, मल्टीनेशनल्स के विरोधी है, सारे देश पर अपना आर्थिक दंडा चलाना चाहने वाले ताकतों की विरोधी है, सारे देश को एक ही संप्रदाय के रंग में रंगने वालों के हित के विरोधी है, ऐसे एकाधिकारशाही चाहने वाले और कट्टर मानसिकता के ताकतों के विरोधी एक ही शब्द है हिंदू, वही कंटेंट व्यक्त करता है, और इसलिए उस पर सब आक्रमण है, और इसलिए विश्व हिंदू परिषद और संघ इस बात को नहीं छोड़ेगा। बाकी लोगों को छूट है, करो किसी भी शब्द का, लेकिन ध्यान में रखो कंटेंट यह है, आपको ध्यान में रहना चाहिए, हमको ध्यान में रहना चाहिए। परिस्थिति विशिष्ट अभिव्यक्ति हिंदुत्व की करते समय भी हमारा विवेक रहना चाहिए कि ये हम क्यों कर रहे हैं। हमारा आदर्श अभिमन्यु मरने के बाद उसके मस्तक पर लात मारने का नहीं है, रावण मरने के बाद मरने के पहले लक्ष्मण जी को भेजना कि वो श्रेष्ठ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है, उससे उपदेश लेकर आओ, ये हमारा आदर्श है। हम बैर भी करते हैं लेकिन एक मर्यादा तक, और बैर का उद्देश्य अपने स्वार्थ का साधन नहीं होता, दुनिया का कल्याण होता है, दुनिया के कल्याण में दूसरा पर्याय नहीं है तब ये लास्ट रिसॉर्ट रहता है, अन्यथा युद्ध के पहले भी अंगद को हम भेजते कि जाओ जरा समझा के आओ।